Hey so अनबॉक्स करने वाली हूँ तो ये ना मुझे मेरी भाभी ने गिफ्ट किया है अभी अभी आ, तो इसे चलो अनबॉक्स करते हैं वैसे ये बहुत क्यूट सा लग रहा था पर ये थोड़ा बच्चों वाला भी लग रहा मींस इसके स्टेंसिल्स देख के तो बहुत ज़्यादा ही बच्चों वाला लग रहा था गाइस। बट ठीक है अब हम लोग भी इसे ट्राई करके देखते हैं तो इसके साथ ये सारी चीज़ें मिली ये है थोड़ी स्टेंसिल्स मुझे प्रॉपरली बोलने नहीं आ रहा था तो ये है और ये है हमारा स्केच पैड तो इसे निकालने में ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं एस एम आर कर रही हूँ मतलब इसकी वॉइस इतनी मतलब सैटिस्फाइंग तो नहीं लग रही थी बट इरिटेटिंग ज़्यादा लग रही थी तो so गाइस अभी हम लोगों को कहीं जाना है तो बाकी का शूट ना मैं थोड़ी देर के बाद मतलब जब हम लोग आ जाएंगे तब करूँगी सो गाइस अभी हम लोग फाइनली आ गए हैं और अभी ना मेरे को नींद भी आ रही है बट मेरे को अभी कंप्लीट करने का मन था तो आज ही करूँगी मैं ये कंप्लीट और गायज क्या बोलते हैं अभी मैं हॉल में शूट कर रही हूँ मुझे रूम में जाने में भी आलस आ रहा है तो ये हमारा जो स्केच पैड है वो ऐसे स्टैंड भी हो सकता है और यहाँ पीछे में जो है क्या बोलते हैं कुछ मार्कर्स रखने की थोड़ी जगह है और यहाँ पे हम लोग कुछ सिक्स मार्कर्स मिले हैं मीन थ्री है बट वो आगे पीछे हैं तो सिक्स कलर्स मिले हैं मार्कर के तो फर्स्ट वाले में है ऑरेंज और पिंक साथ में तो मैं पिंक ट्राई करने वाली हूँ अपने हैंड्स पे क्योंकि ऑरेंज इतना अच्छा दिख नहीं रहा था बट पिंक बहुत अलग ही सा लग रहा था तो मैंने ना अपने हाथ में ए लिख के ट्राई किया ये बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था मीन्स कैमरा में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है बट उस समय ना बहुत ज़्यादा ही ग्लो कर रहा था वो देखो मैं थोड़ा क्लियरली दिखाने की ट्राई करी बट वो हुआ नहीं सो so, गाइस अभी मैं ट्राई करने वाली हूँ इसका पर्पल शेड और मैंने ना यहाँ पे एक पास में एक छोटू सा हार्ट बनाया है जो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था और बहुत प्रिटी सा भी लग रहा था बट कैमरा में तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा लाइट लाइट दिख रहा है बस उसमें तो बाकी सारे शेड्स मुझे ट्राई करने का मन नहीं है क्योंकि एक तो ये ग्लो कर नहीं रहे प्रॉपरली तो फिर फालतू अपना हाथ ख़राब करने से मुझे क्या मिलेगा तो ये सारे स्टेंसिल्स का यूज़ तो मैं अभी करने ही नहीं वाली मैं कुछ क्या बोलते हैं कुछ स्पेशल सा लिखूँगी उस ब्लैक शीट को इसके अंदर डालूँगी पहले पैड के उसके बाद तो चलो डाल देती हूँ मैं पहले तो ये ना वहाँ पे थोड़ा सा गैप दिया हुआ है इसे डालने के लिए वहाँ पे डलेगा तो इसको मैं डाल देती हूँ फटाफट तो मैंने इसको डाल दिया है इसके अंदर अच्छे से गाइस मेरा कैमरा दिख रहा है <laughs> खैर छोड़ो इसमें ना लाइट डालनी पड़ेगी मीन्स सेल डालना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे सेल डाल रही हूँ गाइस ये वहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है बड़ी मेहनत से मैंने खोला है मीन्स बड़ी मेहनत से मैंने खुलवाया है और सेल मैंने ना गाइस एसी के रिमोट से और टीवी के रिमोट से टीवी के रिमोट से एक लिया और एसी के रिमोट से दो लिया तब मुझे वो वैसा वाला सेल मिला और फिर मैंने ट्राई किया तो ये ग्लो करने लगा गाइस ये देखो रेड ग्रीन ब्लू फिर से ग्रीन तो इसमें अलग अलग कलर्स हैं लाइटर शेड के और अलग अलग शेड्स के और ये पर्पल कलर गाइस पर्पल कलर बहुत अच्छा लग रहा है तो ये बंद हो गया अब तो अब मैं फटाफट इसमें कुछ स्पेशल लिखने वाली हूँ सो गायज अभी मैंने यहाँ पे लिखा है व्लॉग्स विथ और अब मैं लिख रही हूँ अनोखी और मेरी राइटिंग पता नहीं इसमें बहुत गंदी बन रही है वैसे तो है ही बहुत गंदी बट अभी भी बहुत गंदी बन रही है वैसे मार्कर से अच्छी बनती है बट इसमें गंदी बन रही है और इसमें लिखा है मैंने व्लॉग्स विथ अनोखी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और मैंने ना यहाँ पे नीचे में स्माइली बना रही थी मैं मतलब तो ना यहाँ पे मैंने इसका बाल खड़ा कर दिया था पहले जो मैंने पूरा ही बना दिया था फिर मैंने उसको रब किया तो बहुत गंदा दिख रहा है गाइस सो गायस अब मैं कैमरा को सीधा कर दी हूँ तो देखो मैंने ऐसा लिखा है इसे तो अब मैं ना इसमें लाइट चालू करके देखती हूँ ये कैसा लगता है और कितने अच्छे से ग्लो करेगा कि नहीं वो भी दे, देखना है मुझे वाओ वैसे रेड उतना अच्छा नहीं लग रहा ग्रीन भी अच्छा लग रहा है गाइस तो ब्लू हाँ ब्लू भी उतना मज़ेदार नहीं लग रहा है वाव ये शेड अच्छा लग रहा है वाओ गाइस की पर्पल और पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पिटी लग रहा है मीन सबसे फेवरेट तो मेरा यही हो गया है और उसके बाद जो आइस ब्लू टाइप का शेड था वो भी अच्छा लग रहा है मुझे वो और ये पिंकिश और पर्पल टाइप का वो तो मेरा फेवरेट है मतलब तो अभी हो गया है और गाइस बाकी भी अच्छा लग रहा है बट सबसे ज़्यादा तो वही दोनों अच्छा लग रहा है मुझे देखो पीछे सो so, अब मैं इसे ना लाइट ऑफ करती हूँ गाइस फिर दिखाती हूँ आपको सो so, गाइस जो कलर्स लाइट ऑन में मुझे उतने अच्छे नहीं लग रहे थे ना वो कलर्स भी लाइट ऑफ के बाद बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ये देखो अच्छा मुझे कमेंट में बताना कि आपका कौन सा फेवरेट कलर लगा आपको इसमें और अब मैं इसे बार बार ऑन ऑफ कर रही हूँ और ये गाइस oh मैंने एक और चीज़ लिखी है इसमें बी लेटेड हैप्पी होली सो हैप्पी होली ऑल और ये बिलेटेड है क्योंकि मैंने होली पहले ही खेल ली है और ये वीडियो बाद में अपलोड करूँगी खैर तो ये शूट भी बाद में ही हो रहा है तो ये भी मैंने लिखा है ये ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को मीन्स वो वो वाला से ज़्यादा अच्छा तो मेरे को ये हैप्पी होली वाला लग रहा है आपको कौन सा लगा था कमेंट करके